वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एचपी स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइव आ जाइए ताकि हम लोग अपना सेशन आज का स्टार्ट कर सकें। और आज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, एमएस एक्सेल के क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्लस सी लैंग्वेज के कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो काफ़ी डिफिकल्ट सेशन है आज के 20 क्वेश्चंस का। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी और जुड़ सकें हमारे साथ, और फिर आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है इस सेशन का जो नंबर कन्वर्जन से है। क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर सिस्टम हैज डैश डिजिट्स। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं, क्वेश्चन ये है आपका। ये नंबर कन्वर्जन से क्वेश्चन है आपका। कंप्यूटर में चार टाइप्स के नंबर होते हैं, पहला टाइप है आपका बाइनरी। बाइनरी में सिर्फ दो ही नंबर हैं, एक जीरो और दूसरा वन, इसके अलावा तीसरा नंबर नहीं है। बाइनरी में सिर्फ दो ही नंबर हैं। उसके बाद दूसरा टाइप आता है डेसिमल। डेसिमल में टोटल 10 नंबर हैं, लेकिन उसकी रेंज 0 to 9 है। 0 to 9 तो रेंज है, लेकिन कुल मिला के 10 नंबर है। तीसरा टाइप है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में टोटल आपके 8 नंबर हैं, लेकिन रेंज इसकी 0 to 7 है। टोटल 8 नंबर, लेकिन रेंज इसकी 0 to 7। चौथा टाइप है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 नंबर हैं, लेकिन 0 to 9 तो नंबर है, लेकिन 10 to 15 को हम लोग डिनोट करते हैं A to F। इस बात का ये मतलब है कि अगर आपका रिजल्ट 10 आएगा तो आप उसको ए लिखेंगे, अगर 11 आएगा तो बी लिखेंगे, ऐसे ही अप टू 15 कुछ भी रिजल्ट आ रहा है तो आप उसको अल्फाबेट में बदलोगे। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 नंबर, 0 to 9 तो नंबर्स हैं, लेकिन 10 to 15 को हम डिनोट कर रहे हैं अल्फाबेट्स में, यानी A to F। 10 को ए लिखा जाता है और 15 को एफ लिखा जाता है। तो अब आ जाते हैं दोबारा से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं। तो डिजिट्स इसके 10 हैं, लेकिन इसकी रेंज 0 to 9 है। तो आंसर इसका बन जाता है ए ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एमएस डॉस का क्वेश्चन है। इन एमएस डॉस द कमांड यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज। थोड़ा सा एमएस डॉस के बारे में सुन लेते हैं फिलहाल। एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट, डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जैसे विंडोज है हमारे पास, वैसे ही पहली आपकी जो विंडो थी वो एमएस डॉस थी। माइक्रोसॉफ्ट की पहली विंडो एमएस डॉस थी, और डॉस की फुल फॉर्म इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कोई ग्राफिक्स, कोई पिक्चर्स, कुछ नहीं था। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी काम करना है तो हम यहाँ पर कमांड्स लिखते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि आपको क्लियर करनी है स्क्रीन, उसके लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है एमएस डॉस के अंदर। तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है CLCLS। ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा ये L है, I नहीं है। CLS कमांड का इस्तेमाल किया जाता है क्लियर स्क्रीन के लिए। MS DOS जो है उसमें कोई ग्राफिक्स, कोई पिक्चर्स नहीं है, लेकिन जो हम विंडोज अब इस्तेमाल कर रहे हैं वो GUI है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर ग्राफिक्स हैं, पिक्चर्स हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो इंटरफेसेस होते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं ये बात। एक तो GUI है और दूसरा CUI है। CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस।
ऑपरेटिंग सिस्टम के दो इंटरफेस, एक सीयूआई और एक जीयूआई। सीयूआई की फुल फॉर्म हो जाती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और जीयूआई की फुल फॉर्म हो जाती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जहां पर कोई ग्राफिक्स कोई पिक्चर इस्तेमाल नहीं होंगे वो सीयूआई है, और कोई ग्राफिक्स कोई पिक्चर इस्तेमाल नहीं होते हैं एमएस डॉस में। तो सीयूआई का एग्जाम्पल है एमएस डॉस। और जीयूआई के बारे में मैंने अभी बात की है, जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पे ग्राफिक्स हैं, पिक्चर्स हैं, और जितनी भी हमारे पास विंडो हैं जो हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, एमएस विंडोज 10, 11, 8, ये एक्सपी विंडो 7, विंडो 95, 98, विंडो विस्टा, ये सब आपकी जीयूआई है जहां पे ग्राफिक्स हैं, पिक्चर्स हैं। और अगर आप एमएस डॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है जिसमें व्हाइट कलर से आप कमांड्स लिखते हैं। जो कमांड लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, उससे रिलेटेड काम होगा। यहाँ पे आपको ना कर्सर दिखेगा ना पॉइंटर दिखेगा, माउस तो इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है एमएस डॉस में, और हर काम के लिए कमांड्स लिखी जाती हैं। तो क्वेश्चन आपका यही था कि एमएस डॉस में कमांड कौन सी इस्तेमाल की जाती है क्लियर स्क्रीन के लिए, जिसका आंसर था CLS। CLS। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है एमएस ऑफिस से। व्हेन यू कॉपी और कट इंफॉर्मेशन, इट गेट प्लेस इन द क्लिपबोर्ड, क्लिपार्ट, इंटरनेट और मदरबोर्ड। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ को कट करते हैं और किसी भी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, तो जब तक हम उनको पेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर के लिए कहीं पर चला जाता है, कहीं स्पेस ले लेता है। तो वो कहाँ पर स्पेस लेता है? एक टेम्प्ररी स्पेस लेता है। वो टेम्प्ररी स्पेस लेता है क्लिपबोर्ड का। और क्लिपबोर्ड कौन सी मेमोरी में स्पेस देता है उसको? तो रैम में स्पेस देता है। जब हम किसी चीज को कट करते हैं और कॉपी करते हैं, जब तक हम उसको पेस्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक वो टेम्पररी किस जगह पर जाएगा? तो वो टेम्पररी जाएगा क्लिपबोर्ड के अंदर। और क्लिपबोर्ड कहाँ की मेमोरी लेता है? तो क्लिपबोर्ड लेता है रैम की मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर बन जाता है क्लिपबोर्ड। इसका आंसर बन जाता है क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका सी लैंग्वेज के लिए आ गया, जो JOIT के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इन सी लैंग्वेज ऑल द कैरेक्टर स्ट्रिंग्स टर्मिनेट विद विच कैरेक्टर। देखिए, यहां पे डेटा टाइप्स हैं कुछ, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। सी लैंग्वेज है हमारे पास, C++ लैंग्वेज है। यहाँ पर कुछ डेटा टाइप्स, एक टर्म है डेटा टाइप्स, यानी जो यहाँ पर डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो उसका क्या टाइप है? क्या उसमें आप टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हो, क्या उसमें नंबर इस्तेमाल कर रहे हो, या डेसिमल वाले नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हो, किस टाइप का डेटा इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज डेटा टाइप। तो इसमें आता है इंट। इंट यानी इंटीजर, शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखा जाता है इंटीजर को, जिसमें विदाउट डेसिमल वाली वैल्यूज यानी होल नंबर वाली वैल्यूज को हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट यानी फ्लोटिंग, फुल फॉर्म पूरा लिखेंगे तो फ्लोटिंग लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे तो फ्लोट लिखेंगे। इसमें हम डेसिमल नंबर कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने 54.5 लिखा तो ये फ्लोट डेटा टाइप का नंबर है। यहाँ पे मैंने 54 लिखा तो वो इंटीजर यानी इंट डेटा टाइप है। फिर आता है कैर। कैर यानी कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में टेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं लेकिन सिंगल कोट के अंदर। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग डबल कोट्स में वैल्यू लिखते हैं कुछ इस तरीके से, इसमें भी टेक्स्ट वैल्यू ही आती है स्ट्रिंग के अंदर भी। स्ट्रिंग के अंदर और कैरेक्टर दोनों के अंदर आती हैं टेक्स्ट वैल्यूज, लेकिन कैरेक्टर जो है वो सिंगल कोट्स में टेक्स्ट वैल्यू लिखता है और स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स में। और फिर आता है डबल। एक डेटा टाइप डबल है, एक डेटा टाइप फ्लोट है, दोनों ही डेसिमल नंबर्स को कंसिडर करते हैं लेकिन दोनों के साइज में डिफरेंस आ जाता है। इसका साइज आता है 4 byte का और ये साइज लेता है 8 bytes का। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आया
कि जो स्ट्रिंग है जब उसको आपने टर्मिनेट करना है, मतलब स्ट्रिंग खत्म हो रही है, तो उसको कौन सा कौन से कैरेक्टर से बताया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर? तो उसे नल कैरेक्टर, ये जो है इसे नल कैरेक्टर कहते हैं। इससे पता चलता है कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग हो गया है। जैसे आपने स्ट्रिंग में सपोज वैल्यू दिया, ए आपकी स्ट्रिंग है, सपोज उसमें आपने वैल्यू दिया है ए बी देन राम। देखिए दोबारा बताती हूँ मैं, आपने डेटा टाइप इनिशियलाइज किया स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग ए में कुछ वैल्यू डाल रहे हैं आप, तो आपने वैल्यू डाली ए कॉमा राम कॉमा मोहित, ठीक है, देन डी। अब पता कैसे चलेगा कि आपकी स्ट्रिंग का एंड हो रहा है, स्ट्रिंग खत्म हो रही है अब आपकी, तब आपको लास्ट में लगाना पड़ेगा नल कैरेक्टर। ये जैसे ही नल कैरेक्टर मिलता है वैसे ही पता चल जाता है कि स्ट्रिंग एंड हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही ये था कि स्ट्रिंग की टर्मिनेशन किससे पता चलती है, तो स्ट्रिंग की टर्मिनेशन किससे पता चलती है, नल कैरेक्टर से। तो इसका आंसर आ जाता है डी ऑप्शन, नल कैरेक्टर। अब बैकस्लैश टी किस लिए इस्तेमाल होता है, टैब के लिए, स्पेस के लिए, और बैकस्लैश एन इस्तेमाल होता है न्यू लाइन के लिए। यानी आपने प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड, लेकिन आप ऐसा हेलो वर्ल्ड नहीं चाहते हो, हेलो और वर्ल्ड दोनों में स्पेस नहीं है, आप चाहते हो हेलो और वर्ल्ड दोनों में स्पेस आए, यानी कुछ इस तरीके से प्रिंट हो हेलो वर्ल्ड। तो इसके लिए स्पेस देने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बैक स्लैश टी। और अब आप चाहते हो हेलो एक लाइन में आए और वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए हम बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सी लैंग्वेज का जो एक या दो क्वेश्चंस बीच में आएंगे वो सिर्फ जेओआईटी के लिए हैं, बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं है, ठीक है। अगर और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं तो वो लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सी लैंग्वेज बाकी लोगों के सिलेबस में नहीं है, जेओआईटी के सिलेबस में है सिर्फ, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऐसा मत समझना कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, हमें समझ नहीं आया, क्योंकि जिन लोगों ने ये सी लैंग्वेज थोड़ा बहुत पढ़ा है उन्हें थोड़ा सा क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सी लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आउटपुट बताना है आपको, ये प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट बताना है। ये स्मॉल कैप्स में होगा बी, क्योंकि जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस हैं दोनों केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं, इसमें अगर छोटे अक्षरों में लिखोगे या बड़े अक्षरों में लिखोगे दोनों चीजें डिफरेंट मानी जाती हैं, इसलिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंट ए इक्वल टू 5, इंटीजर पहला डाटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, और ए की वैल्यू कितनी है 5, और बी में क्या दे रखा है प्लस प्लस ए। जो ये प्लस प्लस है ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, एक पोस्ट इंक्रीमेंट और एक प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट को आप लिखोगे x++ और प्री को लिखोगे प्लस प्लस x। इस बात का मतलब होता है जब इसको आप ओपन करोगे तो ये चीज बनती है x इक्वल टू x प्लस 1, सिर्फ 1 ही ऐड होगा, 2 3 4 कुछ नहीं। वैल्यू का क्या मतलब है, x++ लिखो या प्लस प्लस x लिखो का मतलब है x इक्वल टू x प्लस 1, लेकिन दोनों बातों में डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस को बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो a की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 5, और b में क्या है प्लस प्लस a। प्लस प्लस a का क्या मतलब हुआ, a की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो रही है, x इक्वल टू x प्लस 1 होता है इंक्रीमेंट का मतलब। तो a की वैल्यू 5 थी और अब क्या हो जाएगी 6। अगला क्या दे रखा है 7/2, 7/2 करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा 3.5 आएगा। लेकिन यहां पर डेटा टाइप क्या है, इंट। जब इंट डेटा टाइप है तो हम 3.5 तो कंसिडर कर ही नहीं सकते, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे, 3.5 नहीं, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई बी में, बी इक्वल टू 6 प्लस 3 आई वैल्यू, क्योंकि 7/2 हुआ था, जो 7/2 3.5 के बराबर था, लेकिन जो बी
बी को हमने प्रिंट एफ कराना है, यानी बी का हमें आउटपुट लेना है. तो बी का डेटा टाइप यहाँ क्या गिवन है, इंटीजर गिवन है इंस्टेड ऑफ फ्लोट. अगर यहाँ पे फ्लोट होता तब हम पॉइंट वाला कंसिडर करते, लेकिन फ्लोट नहीं गिवन है यहाँ पर, इंटीजर गिवन है इंट. तो हम विदाउट डेसिमल वाली वैल्यू का आउटपुट कंसिडर करेंगे. मैथ्स वाली चीज ये 3.5 है, अगर 3.6 या 7 होता तो हम उसको 4 ले लेते, ठीक है, लेकिन 3.5 है तो हम 3 कंसिडर करेंगे. तो 6 + 3 = 9, तो बी की वैल्यू क्या आ जाती है, 9. यहाँ पे काफी छोटी छोटी चीजें होती है जो समझने वाली होती हैं, ठीक है. जैसे यहाँ इंट डेटा टाइप था बी का, और अगर हमें ये ध्यान ना दे तो हम 3.5 में इसको ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है. आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं. ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है आपका एमएस एक्सेल से, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, बहुत छोटा सा चीज है यहाँ पर जिसको हमने अगर समझा और हमने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होता तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा. एक बार आप लोग ट्राई भी करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. देखो एमएस एक्सेल की वर्कशीट गिवन है यहाँ पर, जिसमें वैल्यूज 7, 2, 4, 8, 3, 2, 3, 1, 4, 8 ऐसे वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है. और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एरे फॉर्मूला, फॉर्मूला गिवन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताना है आपने, ठीक है. तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको. पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग सेल के एड्रेस को कैसे लिखते हैं. ये भी क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए हैं ये क्वेश्चंस, चाहे आप लोग पंजाब वाले पेपर्स भी दे लो, चाहे हिमाचल वाले पेपर्स भी दे लो. तो ये एमएस एक्सेल क्या है, एमएस ऑफिस काफी इंपॉर्टेंट है. जहां मर्जी का एग्जाम दो, एमएस ऑफिस का डेफिनेटली क्वेश्चन है ही है, ठीक है. तो थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती है यहाँ पे जो हमको कंफ्यूज कर देती हैं, इसलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा. देखिए काफी क्वेश्चंस मैं इसी के अंदर कवर अप करवा दूंगी. पहली बात देखिए, यहाँ पर आपको सेल का एड्रेस लिखना है. सेल का एड्रेस कैसे लिखा जाता है, सपोज इस सेल का एड्रेस लिखना है आपको, तो इस सेल का एड्रेस कैसे लिखेंगे, A3 पहले ये लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा, ठीक है. ये जो ABCD है ये क्या है, ये कॉलम्स हैं, और ये 1, 2, 3 क्या है, तो ये रोज है. क्वेश्चन है ये, रोज को कैसे डिनोट किया जाता है एमएस एक्सेल में, कॉलम्स को कैसे डिनोट किया जाता है एमएस एक्सेल में, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है. और सेल का एड्रेस कैसे लिखा जाता है सही तरीके से, तो भाई सेल का एड्रेस ऐसे लिखा जाता है, पहले कॉलम उसके बाद रो, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है, फॉर्मूला कौन से साइन से स्टार्ट होता है एमएस एक्सेल में, तो फॉर्मूला इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपको सपोज मुझे 2 से लेकर 8 तक ये ऐड करना है, मुझे ये पूरा का पूरा ऐड करना है, तो मैं कैसे लिखूंगी फॉर्मूला. देखो प्रैक्टिकली तो मैं क्या करूंगी, इसे सिलेक्ट करके मैं ड्रैग कर दूंगी माउस, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा पूरा को. लेकिन अगर मुझे प्रैक्टिकली करना है तो थ्योरेटिकली करना है तो मैं कैसे सेल के एड्रेस लिखूंगी, यहां से यहां तक ऐड करना है आपको, तो मैं लिखूंगी इक्वल टू सम ब्रैकेट पहले सेल का एड्रेस, तो पहले सेल का एड्रेस है A2, बीच में आएगा ये कॉलन का साइन, और लास्ट सेल का एड्रेस यानी E2, ये ऐसे लिखा जाएगा. और ये जो बीच में कॉलन का साइन लगा है इसे क्या कहते हैं, तो इसको रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं. ये भी आपके क्वेश्चन है, इसे रेफरेंस ऑपरेटर कहा जाता है. रेफरेंस ऑपरेटर, रेफरेंस यानी एड्रेस, एक तरीके से एड्रेस ही तो बता रहा है ना ये, तो कॉलन को क्या कहा जाता है, रेफरेंस ऑपरेटर कहा जाता है. अब A2 पहले सेल का एड्रेस, बीच में कॉलन और लास्ट सेल का एड्रेस, इससे क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिकली इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया. तो ये आपके कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस थे एक्सेल के. अब इस फॉर्मूला पर आ जाते हैं हम लोग. देखिए अब क्वेश्चन क्या है, इक्वल, पहली बात तो यहाँ पे एरे फॉर्मूला दे रखा है, ये बात हमें पढ़नी है, यहाँ एरे दे रखा है. अब एरे से लेकर क्वेश्चन अगर हम चले, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, JOIT के लिए क्वेश्चन है.
जो एरे है किसी भी लैंग्वेज में, एरे चाहे सी लैंग्वेज हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी लैंग्वेज में अगर एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एरे का पहला एलिमेंट क्या होता है? तो एरे का पहला एलिमेंट जीरो होता है हमेशा। अगर ऐसे लिखा है आपने, एरे का नाम है ए और यहाँ लिखा है 10, ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये जो 10 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इस ये बताता है साइज ऑफ एरे, और ये जो ए था ये है नेम ऑफ एरे। तो क्वेश्चन क्या है कि एरे का पहला एलिमेंट क्या होगा? सिर्फ एरे टर्म आया है इसीलिए मैं ये बात बता रही हूँ, क्योंकि ये लैंग्वेजेस में एरे टर्म इस्तेमाल होती है और क्वेश्चन कई बार बन जाता है, लेकिन स्टेट वाले एग्जाम के लिए नहीं है ये क्वेश्चन, उसके लिए हम एक्सेल वाले क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। तो नेम ऑफ द एरे हो गया ए और एरे का साइज क्या है 10, तो इसके अंदर टोटल 10 एलिमेंट है, लेकिन पहला एलिमेंट क्या होगा? तो पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा और लास्ट एलिमेंट एन माइनस वन होगा। यानी अगर इसके अंदर 10 एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट जीरो होगा और आखिरी एलिमेंट 9 होगा, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात क्लियर होगी सभी को। ये अलग से JIT वाले एग्जाम्स के लिए था, बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं था। अब हम दोबारा से एक्सेल के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? एरे फॉर्मूला पूछा गया है, ये बात एक तो ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या फॉर्मूला है? सम। लेकिन पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है? A1 से लेकर D1 चलना है, मल्टीप्लाई का साइन है ये, और A2 से लेकर D2 तक चलना है। अब यहां पर हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि एरे दे रखा है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई यहां लिखा जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां पर, इन दोनों का यहां और इन दोनों का यहां। डी तक चलना है, ई तक नहीं चलना है, ठीक है। कहां तक दे रखा है? A1 से D2 तक दे रखा है, तो मतलब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना है अगर एरे फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो आ गया 14, 6, एक मिनट जल्दी से मल्टीप्लाई करिए क्या क्या आंसर आता है, और उसके बाद उनको ऐड कर दीजिए। सिंपल है, बहुत सिंपल। ट्राई करिए क्या रिजल्ट आता है, जल्दी से बताइएगा। वैल्यूज थोड़ी सी गलत हो गई हैं इसमें। ठीक है, तो यहां पर आप इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे। जल्दी से बताइए क्या है मल्टीप्लाई में आंसर। तो यहाँ पे आया 32 और यहाँ आया 4, ठीक है। अब क्या करना है हमें? ये मल्टीप्लाई वाला तो मेरा रिजल्ट निकल चुका है, अब हमें निकालना है सम। तो सम किसका निकलेगा? इनका सम निकलेगा। तो निकालिए जरा सम क्या आंसर आता है। जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। तो आंसर आ रहा है इसका 56। ऑप्शन में दे नहीं रखा है, इस वाले लास्ट वाले ऑप्शन को कर लेते हैं हम लोग चेंज। तो 56 इसका आंसर आ रहा होगा आपका। तो इसका रिजल्ट आया आपका 56। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मुझे पक्की बात है ये, ठीक है। दोबारा से हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि काफी चीजें मैंने मिक्सअप कर दी इसमें, एरे वगैरह के बारे में भी बता दिया, इसीलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक्सेल की एक शीट दे रखी है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एरे फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। एरे फॉर्मूला पूछा गया, अगर एरे फॉर्मूला ना होता, और यहां पे एड्रेस दे रखा है A1 से लेके D1, क्या दे रखा है? A1 से लेके D1 तक जाना है, तो हम कहां से कहां तक जाते? ये रहा आपका A1 और ये रहा आपका D1, तो यानी इनका ये निकालना था हमें यहां पर A1 + D1 में, और यहां पर A2 से D2 में हम चलते यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या है यहां पर? क्वेश्चन
एरे फॉर्मूला, जब एरे फॉर्मूला आए तब हम लोगों को क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करना है, हमें इन दो सेल्स में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि A1 से D1 और A2 से D2 जा रहे हैं ना, तो A1 इंटू A2, देन B2, B1 इंटू B2, C1 इंटू C2, D1 इंटू D2, ऐसे होगा ये चीज। तो हमने A1 और A2 को मल्टीप्लाई किया, यहां पर B1 इंटू B2 हुआ, लेकिन नॉर्मल वाले में नहीं होगा, ये सिर्फ एरे फंक्शन में होगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद C1 इंटू C2, D1 इंटू D2, ये चीज। तो इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ये बना 14, ये 6, ये 4 और ये 32, ठीक है, ये निकल कर आया, यानी ये वाली वैल्यूज हमारी निकल गई। अब क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो सम किसका निकलेगा, इन वैल्यूज का सम निकलेगा, तो निकाल लीजिए सम, 14 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 32, तो ये इक्वल टू आता है 56 के। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्व, इसको हम 6 बना लेते हैं, ये बन गया आपका रिजल्ट। आई थिंक अब क्लियर होगा आप लोगों को क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एमएस ऑफिस का क्वेश्चन है और बिल्कुल स्टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन एमएस एक्सेल लेट यू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ ए सेल फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास कंसोलिडेट, फिल्टर, फ्री स्पेस और डाटा वैलिडेशन। ये ऑप्शंस हैं आपके पास, देखिए। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है एमएस एक्सेल के अंदर जो वैल्यूज पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। वैल्यूज पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा, तो डाटा वैलिडेशन लगाएगा। और कैसे, तो ये देखो, ये आपके सेल्स हैं सपोज, तो इन सेल्स में आप किसी भी तरीके की वैल्यूज एंटर कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना मर्जी लंबा आप इसके अंदर टेक्स्ट डालिए या कोई भी लंबा चौड़ा नंबर डाल दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है। चाहे छोटा डालना चाहते हो, दो अक्षर का सिर्फ किसी का नाम डालना चाहते हो लिख लो, 20 का डालना चाहते हो लिख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यहाँ पे, किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन आता है डाटा वैलिडेशन का, डाटा वैलिडेशन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो डाटा वैलिडेशन आपकी इन पे वैलिडिटी लगाता है, यानी रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। उससे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी कंडीशंस होंगी, जैसी मर्जी कंडीशन आप अप्लाई करो। तो मैंने कंडीशन अप्लाई किया कि इन सेल्स में सिर्फ वैल्यूज ग्रेटर देन, इनमें वैल्यूज सिर्फ ग्रेटर देन 50 इंसर्ट होगी, ठीक है। और अगर आप 50 से छोटा नंबर डालते हो तो वो अलर्ट मैसेज देगा, अलर्ट मैसेज भी आप खुद से डालोगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर वैल्यू डाली 24, तो नॉर्मली अगर सेल में 24 वैल्यू डालोगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन मैंने यहाँ डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर दिया, यानी रेस्ट्रिक्शन लगा दी। तो रेस्ट्रिक्शन में कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन 50 वैल्यू आनी चाहिए थी और मेरी वैल्यू 50 से ग्रेटर नहीं है, तो वो क्या करेगा, अलर्ट मैसेज देगा। अलर्ट मैसेज में आपने जो लिखा है वो अलर्ट मैसेज आ जाएगा और ये 24 वैल्यू इस सेल में कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डाटा वैलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का है। एज्यूम दैट इन एन एमएस एक्सेल शीट, एमएस एक्सेल शीट के अंदर A1 कंटेन्स द वैल्यू 10% एंड द सेल A2 कंटेन्स द वैल्यू 5%, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला A1 इनटू A2। A1 में वैल्यू क्या पड़ी है, देखिए जरा क्या वैल्यू पड़ी है, A1 में वैल्यू पड़ी है 10%, तो 10% को A1 में वैल्यू पड़ी है 10%, 10% यानी 10/100,
तो 10/100 को मैं 0.10 लिख सकती हूँ, और A2 में वैल्यू क्या पड़ी है, 5%। A2 में वैल्यू है 5%, 5% यानी 5/100, जिसको मैं लिख सकती हूँ 0.05। ठीक है, ये तो आ गई A1 और A2 में वैल्यू। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, इक्वल टू A1 इंटू A2। तो अप्लाई कर लो A1 इंटू A2। जब A1 इंटू A2 अप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.005। ये रहा आपका ऑप्शन बी। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना था और कुछ नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ लेंगे क्वेश्चन हम लोग जरा एक बार। लीजिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा। क्वेश्चन है, इन एन एमएस एक्सेल शीट सेल A1 कंटेन 5, A1 में वैल्यू पड़ी है 5 और A2 में वैल्यू पड़ी है 6, और A3 कंटेन द फॉर्मूला इक्वल टू A1 प्लस A2। पहले इतना सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है ये, A1 में क्या वैल्यू पड़ी है 5, A1 में वैल्यू पड़ी है 5, A2 में वैल्यू पड़ी है 6, और A3 में क्या फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू A1 प्लस A2। तो लगाओ भाई फॉर्मूला, इक्वल टू A1 प्लस A2। बड़ा आसान था भाई क्वेश्चन अभी तक तो। 11 आ गई वैल्यू, 11 जो वैल्यू आई है आपकी वो A3 में पड़ी है 11 वैल्यू। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, द फॉर्मूला इन द सेल A3 इज कॉपीड इनटू B3। बना लेते हैं हम, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहां A, B, C, 1, 2, 3। ठीक है, तो A1 में वैल्यू थी 5 और A2 में वैल्यू थी 6, और हमने यहाँ पे परफॉर्म किया दोनों का सम तो वैल्यू आ गई 11। अब ये कह रहा है जो वैल्यू A3 में पड़ी थी, जो वैल्यू A3 में पड़ी थी यानी ये वाली जो वैल्यू है, इसको आप कॉपी करोगे B3 के अंदर। तो मैंने यहां पर कॉपी कर दिया, कॉपी करने पर अगर मैंने इसको कॉपी कर दिया तो भाई क्या डिस्प्ले होगा B3 के अंदर, B3 सेल के अंदर क्या रिजल्ट आएगा, तो B3 के अंदर क्या रिजल्ट आएगा, क्या 0 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा या 11 आएगा, क्या वैल्यू आएगी, तो भाई इसकी वैल्यू आएगी 0। 0 क्यों आएगी, क्योंकि B1 में और B2 में कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी, ये सेल तो खाली है, एम्प्टी है। जब ये एम्प्टी है तो वो सम किसका करेगा, यहां पर तो दो वैल्यूज था जिसका सम A3 में आया। अब यही वाला फॉर्मूला हमने यहां कॉपी किया, लेकिन सेल का एड्रेस तो बदला है, यहां पर सेल B1 प्लस B2 होना था जिसमें कोई वैल्यू पड़ी ही नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, आज तो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए हैं करने के लिए, एमएस ऑफिस के भी प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस थे ये। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ एमएस एक्सेल कैन बी यूज टू हाईलाइट द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इफ द मार्क्स आर बिलो 10। एमएस एक्सेल के अंदर कौन सा फीचर आपने इस्तेमाल करना है, हाईलाइट जब आप करना चाहते हो स्टूडेंट के मार्क्स बिलो 10 है, तो ऑप्शन है आपके फॉर्मेट पेंटर, डाटा वैलिडेशन, फॉर्मेट सेल्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शंस है। तो आपने यहां पर एक कंडीशन दी है, कंडीशन क्या दी है कि उन स्टूडेंट के मार्क्स शो करो जिनके बिलो 10 है,
तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग. तो आंसर इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. जब आप किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करते हो, फॉर्मेटिंग यानी जैसे आपने टेक्स्ट का साइज बड़ा कर दिया, या उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, या उसको कोई कलर दे दिया, तो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग हुई तो उसको कहा जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल. ये अभी अभी हमने क्वेश्चन कवर किया है. सेल एड्रेस कौन सा वैलिड नहीं है इनमें से? तो भाई सी वाला वैलिड नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए के बाद कॉलन लगा के वन दे रखा है. तो हम लोग पहले रो का एड्रेस, पहले कॉलम का लिखते हैं एड्रेस ए, फिर हम रो लिखते हैं ए टू है, ए थ्री है, क्या है. तो जो वैलिड नहीं है वो है आपका सी ऑप्शन, ए कॉलन वन, बाकी सब आपके वैलिड है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द लेंथ ऑफ बिट्स ऑफ एन IPv6 नेटवर्किंग का क्वेश्चन है ये. IPv6 यानी आईपी एड्रेस है. आईपी एड्रेस जो है वो दो टाइप का होता है, एक IPv वर्जन 4 और एक IPv वर्जन 6. और फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेट प्रोटोकॉल. दो टाइप का है, IPv वर्जन 4 और IPv वर्जन 6. जैसे हमारे घरों के एड्रेस होते हैं वैसे ही कंप्यूटर के जो घर के एड्रेस होते हैं, यानी कंप्यूटर के जो एड्रेस है, सेंडर का एड्रेस या रिसीवर का एड्रेस, वो IP एड्रेस होता है. तो दो टाइप के हो गए, IPv वर्जन 4, IPv वर्जन 6. IPv वर्जन 4 है 32 बिट्स का और IPv वर्जन 6 है 128 बिट्स का. तो यहाँ पर IPv वर्जन 6 पूछा गया था जिसका आंसर है 128 बिट्स. तो डी ऑप्शन इसका आंसर है. आई थिंक आप लोग को क्लियर होंगे जितने क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं. तो आज का सेशन थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर एमएस ऑफिस के जो क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस हैं. फॉर्मूला बड़े आसान है, मल्टीप्लाई तो करना था, ठीक है, परसेंट ही तो निकालनी थी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कौन से सेल एड्रेस में कौन सी वैल्यू इनपुट की जा रही है और कैसे वैल्यू निकल रही है, ठीक है. तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, बाकी बहुत आसान था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इन एमएस एक्सेल टू एड न्यूमेरिक वैल्यूज इन कॉलम डी फ्रॉम रोज D10 टू D15 द फॉर्मूला दैट शुड बी यूज्ड. ये अभी अभी मैंने क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस किया है, लेकिन किसी और तरीके से पूछा गया. ये तरीका देखिए, क्वेश्चन क्या है, अगर एमएस एक्सेल में आप लोगों को एड करनी है न्यूमेरिक वैल्यूज तो रो D10 से लेके D15 तक ऐड करनी है तो कैसे लिखेंगे? तो ऐड के लिए तो सबसे पहली बात है हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सम का, लेकिन कहां से कहां तक जाना है? D10 से D15 तक जाना है, तो कैसे लिखेंगे? इक्वल टू सम ब्रैकेट, पहले सेल का एड्रेस जो है D10, फिर बीच में कॉलन का साइन. कॉलन के साइन को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं. और फिर लास्ट सेल का एड्रेस जो है D15. इस तरीके से लिखा जाएगा, पहले सेल का एड्रेस, बीच में कॉलन एंड लास्ट सेल का एड्रेस, ठीक है. क्वेश्चन वही था लेकिन थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन. तो इसीलिए ध्यान से कंप्यूटर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो पढ़ने ही होते हैं, तब थोड़ा सा हमको क्वेश्चन समझ में आता है कि क्या पूछा जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज्यूम दैट इन एन एमएस एक्सेल सेल A1 एंड A2 कंटेन्स वैल्यूज 5 एंड 5% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला इक्वल टू A1 प्लस A2 एंटर्ड इन सेल A3 ऑफ दैट शीट. वैल्यूज चेंज हुई है, अभी अभी हमने ऐसा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है. तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइन टू लाइन चलते हैं. क्या कह रहा है? सेल A1 एंड A2, A1 में क्या वैल्यू पड़ी है? 5, और A2 में क्या वैल्यू पड़ी है? 5%, यानी 5/100 लिख के 0.05 लिख लेते हैं. और हमें क्या करना है? देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला इक्वल टू A1 प्लस A2.
एंटर्ड इन सेल ए थ्री. अब सेल ए थ्री में तुम ए वन प्लस ए टू करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ए वन प्लस ए टू करेंगे यानी 5 + 0.05, तो वैल्यू क्या आती है 5.05. ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी. तो ऑप्शन चेक करें जरा, तो ऑप्शन में दे रखा है 10%, 5.5%, 5.05%. 5.05% दे रखा है और मेरा आंसर 5.05 आया है. तो अगर इसको मैं 505/100 लिख दूं, 505/100 लिख दूं, तो इसका मतलब यही तो है 505%. ठीक है ना, मुझे भी पढ़ाते हुए आज ऐसे ही लग रहा है कि मैथ्स की क्लास ही चल रही है हमारी. तो आंसर आ जाता है इसका सी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबंटू काली एंड सीडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आर द पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम. उबंटू काली और सीडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सब वर्जन है लिनक्स के, ये सब लिनक्स के वर्जन है. तो करेक्ट आंसर इज लिनक्स. लिनक्स जो एंड्रॉयड के वर्जन है, एंड्रॉयड में आता है कपकेक, डोनट, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नगट, रेड वेलवेट, आइसक्रीम सैंडविच, ये सब एंड्रॉयड के वर्जन हैं जो डेजर्ट के नेम आते हैं, खाने पीने वाली चीज़ों के नेम. और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें वाइल्ड एनिमल्स के नाम आते हैं जैसे प्यूमा, कैटाटाइन, जैगवार, इस तरीके के जो नाम आते हैं वाइल्ड एनिमल्स के वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं. और विंडोज में हम लोग को विंडो पता है, लेटेस्ट विंडो इज विंडो 11. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस वॉनाक्राई मालवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ. मालवेयर जो है, मालवेयर वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर. मालवेयर में क्या होता है, पहली बात, पहला क्वेश्चन मालवेयर से क्या बनता है, तो मालवेयर कौन से टाइप के कोड्स हैं या कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये मिलिशियस हैं. मिलिशियस यानी जो सिर्फ खराब काम करेंगे, किसी ना किसी तरीके से आपकी फाइल्स खराब करेंगे या किसी ना किसी तरीके से आपके पीसी को बंद कर देंगे. तो मालवेयर का एक टाइप आपका आता है रैनसमवेयर. जो वॉनाक्राई है वो नेम है आपका मालवेयर का और वो रैनसमवेयर का टाइप है. रैनसमवेयर, रैनसम का मतलब होता है फिरौती, तो सेम एज किडनैपिंग है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे किडनैपिंग आपकी फाइल्स की होती है और फाइल्स को किडनैप यानी लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद आपसे पैसे डिमांड किए जाते हैं. और जो पैसे डिमांड किए जाते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी होता है, यानी बिटकॉइन में आपसे पैसे मांगे जाते हैं, जिसमें ना तो कोई किसी की डिटेल है ना कुछ है और कोई पकड़ा भी नहीं जाएगा इसमें. ये काम बहुत ज्यादा चल रहा है आज की डेट में. जैसे की लॉगर है, की लॉगर में क्या होता है, जो भी कीबोर्ड पे आप कीज प्रेस करते हो वो सबकी सब रिकॉर्ड होती हैं. जो भी कीज आप कीबोर्ड में प्रेस कर रहे हो वो रिकॉर्ड हो रही है. तो इसमें क्या हुआ, आप जो भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, कल को कोई और आपकी आईडी को ऑपरेट कर सकता है जबको उसको यूजर आईडी एंड पासवर्ड पता होता है. ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स में आपको बताया जाता है कि वो चीज आपके लिए यूजफुल है लेकिन एक्चुअल में वो यूजफुल ना होकर मालवेयर होता है. ट्रोजन हॉर्स में सपोज आपने अपने फ्रेंड को बोला मुझे एक पेन ड्राइव दे देना एमएस ऑफिस का सेटअप डाल के, उसने एमएस ऑफिस का सेटअप फोल्डर बनाया, एमएस ऑफिस का नाम डाल दिया, लेकिन उसके अंदर कोई ट्रोजन हॉर्स है. आप तो एमएस ऑफिस समझ के उसको क्लिक करोगे ना, तो आपसे तो चीज छुपा ली गई. आपको क्या बताया कि वो एमएस ऑफिस है लेकिन वो एमएस ऑफिस ना होकर वो ट्रोजन हॉर्स था. तो यानी प्रिटेंड किया जाता है कि वो चीज हमारे लिए यूजफुल है ट्रोजन हॉर्स में, लेकिन एक्चुअल में ये यूजफुल नहीं होता हमारे लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. ये एचटीएमएल का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द टैग्स इज यूज्ड इन एचटीएमएल टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट ऑफ द आइटम्स. सबसे पहले हमें एचटीएमएल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. तो एचटीएमएल की फुल फॉर्म इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है एचटीएमएल. HTML एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही कंसिडर की जाती है. अब आते हैं बात क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या है, नंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स.
HTML का जो ये क्वेश्चन है ये भी JOAIT के लिए है, बाकी एग्जाम्स में HTML नहीं है। ठीक है, तो नंबर्ड लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं OL टैग। OL टैग यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। और UL इस्तेमाल होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आज क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमसे इजीली क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। बस बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए, ये भी HTML का क्वेश्चन है। हाइपरलिंक के लिए, वेब पेज में हाइपरलिंक के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? तो ए टैग इस्तेमाल होता है, जिसको हम एंकर टैग कहते हैं, ये टैग इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये SQL का क्वेश्चन है, डाटाबेस का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस इन SQL सिलेक्ट स्टेटमेंट्स इज यूज टू फिल्टर द रोज एज पर द गिवन कंडीशन। तो SQL की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले SQL की फुल फॉर्म हो जाती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो SQL है। तो SQL के अंदर हम बहुत सारी कमांड्स पढ़ते हैं, तो उसी कमांड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो भाई, कौन सी, वेयर ऑर्डर बाय, फ्रॉम या ग्रुप बाय, कौन सा इस्तेमाल करते हो अगर आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है सिलेक्ट स्टेटमेंट में? तो सिलेक्ट स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाती है, सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वेयर नेम इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ क्वेश्चन को, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू टू। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट नाम का यहाँ पर टेबल है। सिलेक्ट स्टेटमेंट किस तरीके से लिखी गई, सिलेक्ट क्या करना है, नेम कहाँ से, स्टूडेंट नाम के टेबल से। ठीक है, ये SQL की कमांड है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, JOIT के लिए क्वेश्चन था आज, कुछ ज्यादा क्वेश्चन JOIT के लिए, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जैसे यहाँ पर SQL की, बाकी सब लोगों को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो उनके लिए इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, सिलेक्ट नेम क्या सिलेक्ट करना है, नेम सिलेक्ट करना है, कहाँ से सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट नाम के टेबल से सिलेक्ट करना है, जहां पर रोल नंबर क्या है, टू। तो ये आउटपुट क्या देगा, जिसका रोल नंबर टू है सिर्फ उसका नाम आएगा। तो यहाँ पर काम कैसे हुआ, पूरा टेबल नहीं आया, सिर्फ एक कंडीशन जो आपने अप्लाई की थी उससे रिलेटेड सिर्फ नाम आया, जिसका रोल नंबर टू था उसका सिर्फ नाम आया। तो क्वेश्चन क्या है, SQL में सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फिल्टर द रोज एज पर द गिवन कंडीशन। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेयर का। तो वेयर जो होता है वो एक क्लॉज होता है, और ऑर्डर बाय हम लोग सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका डाटाबेस से ही है, SQL की कमांड से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इज यूज टू एड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल। थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी इस चीज को। देखिए हमारे पास ना लैंग्वेजेस हैं, DDL, DML, DCL, TCL, DQL, इस तरीके की टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं डेटाबेस में। लेकिन मैं स्पेशली DDL और DML सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए। DDL क्या डिस्क्राइब करती है, टेबल का स्ट्रक्चर। जब टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी चेंजेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तब हम DDL कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम लोग टेबल के अंदर डेटा वैल्यूज, जो एंट्रीज हैं, रोज हैं, कॉलम्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई काम करेंगे, तो DML कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर मुझे एड अ न्यू कॉलम करना है। अगर मेरे पास सपोज एक टेबल है,
स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसके अंदर फील्ड है, रोल नंबर है, नेम है। अब इसके अंदर मैं एक और क्या बना रही हूँ, एक और कॉलम बना रही हूँ जो है एड्रेस। अगर मैंने एक और इंसर्ट किया है एड्रेस नाम का एक कॉलम, तो उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल में चेंजेस आएंगे ना। अगर किसी का एड्रेस पहले एक्स वाई जेड था, फिर चेंज होकर ए बी सी हो गया, तो क्या इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल में इफेक्ट पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। इसमें इफेक्ट कहाँ पड़ा, डेटा वैल्यू में इफेक्ट पड़ा, नॉट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। जब स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल में इफेक्ट पड़ रहा है, तब हम इस्तेमाल करते हैं ऑल्टर कमांड का। जब हम लोग डेटा वैल्यूज में चेंजेस या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं अपडेट का। तो जब आप लोग न्यू कॉलम को इंसर्ट कर रहे हो टेबल में, यानी मॉडिफिकेशन तो हो रही है, लेकिन मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल में हो रही है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑल्टर टेबल का। ठीक है, चलिए, आई थिंक क्लियर, क्वेश्चंस क्लियर होंगे। जितने भी आज हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। और जब जब कंप्यूटर की क्लास होती है, आप लोग जुड़ते रहिएगा साथ में। ठीक है, आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच।